वेलकम टू लाइव क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्लामगिन सर। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश पोएट्री फॉर क्लास 10। द नेम ऑफ चैप्टर द विलेज सॉन्ग, इट इज कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। जी मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप देख रहे हैं द विलेज सॉन्ग इट इज कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। और मुझे विश्वास है कि जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बताया हूँ, और मुझे विश्वास इसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग आपको स्टेंजा थर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके लेट्स स्टार्ट। क्या दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हनी चरण हनी चरण। जी अब ध्यान देंगे, हनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया डियर मीन्स प्यारे, ओके, और चरण मीन्स बेटिया। ओके हनी चरण हनी चरण, द वर्ड इज फुल ऑफ द प्लेजर, फुल ऑफ द प्लेजर। ध्यान दें बच्चों कि जब वो प्यारी बेटी अपनी माँ से कह दी थी उसमें कि मेरी प्यारी माँ प्यारी माँ, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ, मैं उस स्थान की तरफ जा रही हूँ, मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पे चंपा के डलियों पे चंपा की कलियां फूट रही है, मैं उस स्थान की तरफ गई हूँ, मैं उस जंगल की ओर जाना चाह रही हूँ जहाँ पे बदाने का नदियों के टापू पे, नदियों के टापू पे क्या है, कोयलों का बसवरा है, और वहाँ पे कुमुदिनी क्या हो रही चमक रही है, मुझे परियां बुला रही है, मेरी प्यारी मेरी प्यारी माँ प्यारी मेरी प्यारी माँ, मैं उस जंगल की ओर जा रही हूँ। जब इतनी बात हो जाती है और वह लड़की अपने घर से निकल जाते, तब फिर से वहाँ पे उसकी माँ समझाने का प्रयास कर, वो स्टेंजा किसमें थर्ड बताने का प्रयास है। वो क्या समझा रही है, वो उनकी माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि जिसके लिए तुम जा रही हो, जो सुंदरता तुम देख रही हो, मेरी प्यारी बेटी इस बात को ध्यान दो। करे हनी चरण हनी चरण, द वर्ड इज फुल ऑफ द प्लेजर। फुल ऑफ प्लेजर एक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे भरा हुआ, और प्लेजर मत कह खुशियों से, जिसको देख रही हो वो क्या है, वो मेरी प्यारी बेटी क्या है, वो संसार क्या है, किसे खुशियों से भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या है, खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे कि आप ब्रीडल सॉन्ग एक ये भी ध्यान देना मेरी प्यारी बेटी क्या करे कि विदाई के गीत एंड क्रेंडल, ध्यान देंगे क्या दिया क्रेंडल और सॉन्ग्स, मैंने यहाँ पे लोरी, लोरी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट सब समझ सकते हैं। लोरी के कॉन्सेप्ट है कि जब छोटा सा बच्चा क्या होता है नहीं सोते, हम क्या करते हैं अपने यहाँ पे रखते हैं, और रखने के बाद उसको एक लोरी सुनाते, उस लोरी को सुनकर वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा क्या था उस गीतों में लीन होकर बिल्कुल वो सो जाता, उसी को यहाँ पे रखा गया क्या क्रेंडल। ध्यान देंगे पे क्रेंडल सॉन्ग्स मैंने कहता लोरी सुलाने वाला गाना, ओके एंड सैंडल मैंने कर सकते यहाँ पे चंदन, ओके सुगंधित प्रसन्न, यहाँ पे सेंटर और रिजर्व मतलब सुगंधित रखा गया, किसे सुगंधित रखा गया। ओके क्या कर बच्चों कि आप ग्रेडल सॉन्ग्स एंड क्रेंडल सॉन्ग एंड सेंडर सेंटर लेजर, उसकी माँ कहती है मेरी प्यारी बेटी इस बात को ध्यान दो, कह रहे कि ओ प्यारी बेटी या हनी चाइल्ड कह रहे कि ओ प्यारी बेटी कह रहे कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, क्या संसार खुशियों से भरा हुआ है। और ये भी ध्यान दो कहा जा रहा है कि विदाई के गीत और लोरी, कहे कि विदाई के गीत और लोरी करे कि चंदन के जैसे सुगंधित दिखाई देते हैं, चंदन के करे कि जिस प्रकार खुशबू होती उसी प्रकार दिखाई देते, अर्थ दोनों भी डिफरेंट होता है, जिस सुंदरता के लिए तुम जा रही हो, जो उसे छोड़कर जा रही हो जिसने तुम्हें पाला है, जिसे तुमने बड़ा किया, और उस प्रेमी को छोड़कर जा रही हो जो घोड़े पे सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आए। मेरी प्यारी बेटी प्यारो, ये दुनिया है, इस संसार की अकेल खुशबू है, खुशबू के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का अपना दिखाई देने वाला नहीं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। क्या कर बच्चों ध्यान देंगे कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, इन पंक्तियों में वह माँ अपनी बेटी से कहती कि मेरी प्यारी बेटी है, संसार क्या है खुशियों से भरा हुआ है, संसार क्या है खुशियों से भरा हुआ है। और आगे कहा जा रहा है कि ब्रीडल सॉन्ग पर यहाँ पे ध्यान दे, विजय की यहाँ पे विदाई के गीत और लोरी, और ये दोनों के दोनों जो खुशबू होते हैं, दोनों के दोनों जो प्रशंसित होते हैं, वो चंदन के खुशबू के जैसा, चंदन के और चमक के जैसा, चंदन के और गरिमा के जैसा वहाँ पे वर्णन किया गया, अर्थात दोनों में क्या है, ये दोनों में डिफरेंट देखी गई है कि कहीं ना कहीं सुख और दुख दोनों मिलता है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी तुम जहाँ पे जा
जा रहे हो वहां पे खुशियां तो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार चंदन क्या होता है सुगंधित और यहाँ पे चमकते हुए दिखाई देता है, वो दिख रहा है उसी प्रकार देख रहा है, लेकिन उसमें अपना कोई कहने वाला नहीं होगा। आगे क्या करें मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, योर ब्रिडल क्रॉप्स, क्रॉप्स माने क्लॉथेज माने कपड़े, तुम्हारी विदाई की कपड़े, क्योंकि लड़की क्या उसकी बरात आने वाली थी और जो घोड़े में सवार होकर दूल्हा उसका चल दिया तो उसको भी छोड़कर वो जंगल की ओर जाए, तो वहां पे बताने का प्रयास किया क्या योर ब्रिडल क्रॉप्स कि तुम्हारी विदाई के कपड़े आर इन द लून के किसके घर, अभी दर्जी के घर है, अरे कि सिल्वर एंड सफरान ग्रोविंग और क्या चांदी और केसरिया रंग का है, चांदी और क्या है केसरिया रंग का, जिस रंग के तुमको विदाई करने के लिए जिस कपड़े का तैयार किया जा रहा है वो कपड़ा कहाँ है मेरी प्यारी बच्ची, अभी उस दर्जी के घर है जहाँ पे वो किसका रंग क्या है चांदी और केसरिया रंग का है। और आगे कहा जा रहा है कि योर केस आर ऑन द नीथ बच्चो, अरे योर केक्स आर ऑन द हीथ करे कि विदाई का केक करे अंगीठी पर मिस चूल्हा कर सके करे कि जो विदाई के लिए जो केक बनवाया गया है जो केक आ गया उसको चूल्हे पर रखा गया है। ओ इधर आर यू गोइंग, अरे आप कहाँ जा रहे हो, अरे मेरी प्यारी बेटी तुम किधर को जा रही हो, तो आपने क्या समझा मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि एक माँ अपने बेटी से कहती है ओ मेरी प्यारी बेटी ये संसार क्या है खुशियों से भरा हुआ है, ये संसार क्या है खुशियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार विदाई के गीत और बच्चों को सुनाने के गीत क्या होते हैं बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं, जिस प्रकार चंदन क्या सुगंधित दिखाई देता है सुशोभित दिखाई देता है उसी प्रकार ये दुनिया क्या सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई उसमें अपना कहने वाला नहीं है। और कहा जा रहा है यहाँ पे योर ब्रिडल रॉक्स आर इन द रूम, कह रहा है कि देखो मेरी प्यारी बेटी कि तुम्हारा जो रंग तुम्हारी जो पोशाक है विदाई का जो कपड़ा है वो कपड़ा क्या है चांदी का, कपड़े का जो रंग है वो चांदी है और क्या रखा गया पे केसरिया रंग का है और वो कपड़ा अभी क्या है दर्जी के घर है। और बता रहे बच्चों योर केक्स आर ऑन द हीथ, और तुम्हारा जो विदाई के केक मंगवाया गया वो केक का है चूल्हे पर रखा गया। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम किधर को जा रही हो। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट मुझे विश्वास होगा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा होगा, सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके क्रांति सर थैंक्स।